हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी न्यू एंड फेस वीडियो। मेरा नाम है भास्कर और आप देखो टेक भास्कर यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है IRCTC या फिर IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप अपना टिकट को बुक करते हो, तो आपको हो सकता है कि जैसे ही आप लोग जो बुक करते हो तो उस पर जो आपका जो टिकट का स्टेटस होता है वो जो वेटिंग में चला जाता है, यानी कि इस टाइप से आ जाती है कि वेटिंग नंबर इतना है। तो फ्रेंड्स, मानो कि यार आपने जो है 4 से 5 दिन पहले आप अपना टिकट को बुक किया और आपका जो सफ़र है वो 1 दिन के बाद है, तो आप लोग कैसे चेक करोगे कि यार अभी जो आपका जो स्टेटस है वो क्या है। तो यार फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, वीडियो पे शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। तो यार गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लोगे तो यार आप अपना टिकट का स्टेटस जान पाओगे कि यार अभी आपका टिकट का स्टेटस क्या है। तो यार इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर से मेरा जो फोन का स्क्रीन है अभी यहाँ पर से आप लोगों को शो कर दूंगी, यार आप लोग यहाँ पर से खुद ही देख सकते हो कि किस टाइप से आप अपना स्टेटस को चेक कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो फोन का स्क्रीन है वो अभी यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो, एंड इस पर आप लोगों को क्या करना है, आपका फोन पे क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल कोई भी आप लोगों को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है यार PNR स्टेटस चेकिंग। तो आपको लिखने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सर्च पर क्लिक कर दोगे देन आपका जो है फोन पे जो है वो जो वेबसाइट है खुलकर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से जो है बहुत सारी वेबसाइट खुलकर आ गया है, एंड आप लोगों को क्या करना है कि यार जो इंडियन रेलवे का गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर आप लोग क्लिक करना है, जो पहले वाला ही आएगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक कर दोगे देन आपके सामने जो है ये वाली इंटरफेस आ जाएगी। तो जैसे ये वाली इंटरफेस आ जाएगी तो आपको अभी क्या करना है, आपको इसकी तरफ से जाना है, एंड आप लोगों को यहाँ पर से बोला जाएगा कि एंटर PNR नंबर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो है टिकट को परचेस किया या फिर कोई भी दुकान से या फिर कैसे भी परचेस किया, तो आपको जो है इस टाइप के एक जो है पेस पेंट करके दिया होगा। तो उस पेंट पर जो है देख सकते हो इस टाइप का जो है PNR नंबर रहता है, तो उस PNR नंबर को यहाँ पर से आपको डाल देना है। तो मैं जो है मेरा एक PNR नंबर जो है इसको यहाँ पर से दे देता हूँ, एंड आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। और अभी जो है मैं इसको पेस्ट कर दिया, एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक कर दो देन आपके पास एक जो कैप्चा आएगा जो कि यहाँ पर से बोला गया है कि इसको जो है माइनस करना है कि कितना होता है। तो आप सबमिट कर देते हो, जैसे आप लोग इसको सबमिट कर दोगे देन आपका जो है जो स्टेटस होगा वो जो है खुल कर आ जाएगा, एंड आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो कि जो हमारा स्टेटस है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि पैसेंजर जो है एक ही पैसेंजर था जो कि ये चार्ट अभी तक यहाँ पर से प्रिपेंड नहीं हुआ है उस ट्रेन का, और इसका जो है ट्रेन का नाम भी आप लोग यहाँ पर से देख पाओगे, एंड जिस दिन इस ट्रेन जाने वाला है उसका डेट भी आ जाएगा, एंड कहाँ से कहाँ जाओगे उसका भी आ जाएगा, एंड आपको यहाँ पर से दिखा दिया जाएगा बुकिंग स्टेटस। तो यहाँ पर देख सकते हो CNF D269NCGN। तो अगर आपके PNR नंबर स्टेटस पर भी आपको CNF आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टिकट है वो कॉन्फर्म हो चुका है, एंड आप लोग जो है उस दिन पे जो है सफ़र कर सकते हो। तो उसे अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इंडियन रेलवे से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।